दुनिया में किसी जगह भी किसी इजरायली को कुछ हो जाए तो कवामे मुत्तहिदा अमन के भाषण देना शुरू कर देता है, मगर जब बात फ़लस्तीन की आई तो कवामे मुत्तहिदा के तर्जुमान ने ख़ुद को नाकाबले और कम अकल करार दे दिया कि वो इस मामले पर बात करने के लिए अकल नहीं रखते। तफसीलात के मुताबिक जब सहाफ़ियों ने तर्जुमान अक़वामे मुत्तहिदा से सवाल किया कि क्या फ़लस्तीनी रियासत को अपने दिफा का हक हासिल है, तो तर्जुमान ने जवाब दिया कि आलमी कवानीन की वजह से इस सवाल का फिलवक्त जवाब नहीं दे सकते। सहाफ़ी ने इस जवाब पर दूसरा सवाल पूछा कि क्या आलमी कवानीन में रियासत फ़लस्तीन अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम करदा रियासत है। इस पर तर्जुमान ने कहा कि यहाँ खड़े होकर वो इस पर बात करने का इख्तियार नहीं रखते। वही मौजूद एक और सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर होने वाले फ़जाई हमले की मजम्मत क्यों नहीं की, क्या किसी फ़लस्तीनी की ज़िंदगी इसराइली की ज़िंदगी से कम कीमती है। जिस पर तर्जुमान बोले कि इंसानी जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है। उन्होंने यहाँ भी मजम्मत का लफ्ज़ तक इस्तेमाल ना किया और सिर्फ़ वाक़े पर अफसोस का इजहार कर दिया। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि क्या तर्जुमान फ़लस्तीनी लोगों की शहादत पर मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जवाब में तर्जुमान ने बुकलाए हुए अंदाज में कहा कि जैसा बयान दिया गया है इसका वैसे ही मतलब समझा जाए। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अक़वामे मुत्तहिदा को इसराइल को ऐसे हमलों से बाज रहने के लिए नहीं कहना चाहिए, जिस पर तर्जुमान सहाफ़ी को इसकी हदूद याद दिलाने लगे और इस बार भी कोई जवाब ना दे पाए। Under international law, can you clarify, do Palestinians in the occupied territory have a right to self-defense? Look, I can't answer that question at this point because of, in terms of international law. But under international law, states have a right to self-defense. Palestine's recognized as a state by the United Nations. Look, I'm not intellectually qualified from this podium to get into the intricacies of international law. I'll be honest with you. Why does the Secretary General refrain from using the word condemnation when it comes to the killing of Palestinians? Are the Palestinians' lives worth less than Israelis? No, and I think not at all. And I think, as I said, we stand against the killings of civilians on all and any side. Then why doesn't he use the word condemnation? I think I've stated my position.